हमको मिला नहीं है यहाँ पे। ये भैया देख रहे हैं पीना पीना ये पतले हो गए हैं, ये भैया ही पतले हो गए हैं पसीना। कितना आपको वजन हुआ? 5 किलो। दूध पी रहे हैं जंगल जी हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आप लोकेशन देख रहा हूँ, मैं अभी हूँ ट्रेन में और मैं जा रहा हूँ अपने घर से 900 किलोमीटर दूर। और कहाँ जा रहा हूँ वो आपको वीडियो में पता लगेगा, देखते रहिए। और मेरे साथ जा रहा है आशीष, ये देखो पीछे खड़ा है। तो आज अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पर। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर 10 रुपये वाली चाय ली थी और इतनी ज़्यादा बेकार थी, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब टेस्ट में गर्म पानी लग रहा था उसमें। भाई हम लोगों को ट्रेन में बैठे बैठे 12-13 घंटे हो चुके हैं, सो भी लिए, मूवी देख ली, उसके बाद बोर हो रहे हैं तो वीडियो बना लेते हैं। अरे KGF मैंने यहाँ पे देख, वो KGF खड़ा है। बोले माइंड पे काम चल रहा है यहाँ, नहीं KGF 3 बन रही है यहाँ पे, शूटिंग चल रही है, KGF 4 बन रही है। तो भाई हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और देखिए उठ गया है, देखिए कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है सुबह सुबह भी, इसे धूप में भी। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। हम लोग आए हैं अनपरा जो कि सोनभद्र से 100 किलोमीटर दूर है। भाई यार यहाँ पहली बार आए, पुराना कोई नहीं है, सब नए हैं यहाँ पे। ये भैया पहले आ चुके हैं यहाँ के, यहाँ के लोकल ही लोकल। कोई यहाँ पे लोकल है कोई लोकल सब यहाँ पे नहीं है, कोई लोकल कोई नहीं है यहाँ पे, स्टेशन देख ही रहा है भाई। तो आज जैसा आप लोगों ने देखा भैया बताए थे, मतलब जिस ट्रेन में हम लोग आए थे यहाँ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले आया था, सभी लोग यहाँ पे नए थे। जो इसकी हम लोग पूछे थे, मतलब स्टेशन वगैरह के बारे में किसी को नहीं पता था। जहाँ पे ट्रेन रुकी थी वहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर पहले ट्रेन रुकी थी स्टेशन से, इस चक्कर में हर किसी को कन्फ्यूज हो रहा था। यहाँ की जो स्टेशन है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अभी CISF कैंप की तरफ। और ये देखिए स्टेशन से अंदर सिटी में जाने का ये रोड देखिए आप, मतलब पूरे पहाड़ जैसे बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो पहाड़ है वो राजस्थान वाले पहाड़ हैं, मतलब जैसे नैनीताल वगैरह में वैसा पहाड़ नहीं है ना, ठंडा एरिया बिल्कुल गर्म एरिया है यहाँ पे। और जैसे राजस्थान में गर्मी पड़ती है वैसे ही गर्मी पड़ रही है। और यहाँ के आसपास मतलब कोल माइन ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे 2-3 कोल माइन हैं इसके पास में, स्टेशन के पास में ही है। इसकी हालत खराब हो चुकी बेचारे की, और यहाँ से CISF के PhD देने वाले बच्चे दिख रहे हैं, लोकल देखो कोई दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं आशीष का मकान अंदर से देख रहे हैं, नॉर्मल लग रही है लेकिन इधर देखो आए तो इधर पहाड़ है, इधर नॉर्मल जगह है। तो पहाड़ों के बीच में है भाई, पहाड़ों के बीच में पड़ा हुआ है अंदर। इतनी बड़ी जगह यार देख रहे हैं, पहाड़ों में बजाज की एजेंसी खोल रखी है। यहाँ से पेड़ निकालो ऊपर जाओ CISF कैंप पे सीधे। ये भाई भी आए हम लोगों के साथ। ये बरेली वाला सुभाष नगर यहाँ आ गया है। ये ट्रक के पीछे का नंबर। हाँ ये आ गए अनपुरा सेंटर पे हम। पूरे पूरे नाम बताओ यार, अनपुरा में आ गई हो सोनभद्र से आ गए अनपुरा में हम। ये भीमताल का एरिया यार, और यहाँ पे ताल नहीं है, एरिया एरिया वही है भीमताल का। चल तू गया यार, दादा चाय बढ़िया बनाना, इलायची इलायची डाल देना, इलायची भी हो बेटे। अभी बनाए हैं क्या? मैं बना दूंगा, गर्म करके देना। अभी खा रहे हैं तुम, मतलब देख गर्मी पड़ रही जून जुलाई वाली यहाँ पे यार। आज मेरी ऐसी गाड़ी यार, नई गाड़ी बिल्कुल बलेनो।
हरा भी बड़े से यहाँ अंकल जी कड़क चाय बनाओ तुम भी बेटे तुम भी दोगे लगे बेटे अरे कोई तो पी लो यार नहीं भी मजेदार ये पहले चाय पी के चेक करके बताएंगे कि चाचा ने चाय कैसी बनाई है चाय चेक कर रहे हैं ये बता कैसे लग रही बढ़िया ठीक है बना दो भैया अरे लौंडा देर आए से पानी भर जाइए पानी निकाल ले खाना के लिए और खाना मिला नहीं है जो ये लेके आए खाना खाना भाई ये कौन सी अनपढ़ है कोई कौन सी बजा रही है अनपढ़ा बाजार अनपढ़ा की बाजार है पूरी बाजार घूम लिए पूरी बाजार में साला पीपी कर देना यहाँ पे मनपुरा बाजार में आए हैं पूरी बाजार घूम लिए रोटी नहीं है खाने को यहाँ ये खाना छोड़ के सब कुछ मिल गया कभी बता क्या बता जाना अनपढ़ा घूमने ये खाना छोड़ के सब कुछ मिल रहा है सबकी दुकान है यहाँ पे डॉक्टर ने किए हैं एक समोसे दुकान नहीं बस पूरी मार्केट में समोसे भाई कुछ हो भी तो क्या हमारे यहाँ लोगों से पूछ लेना कि मार्केट हमारे बदनाम ऑर्डर कोई मिल जाते हैं 10-40 के दो ना यहाँ तो एक समोसा भी नहीं मिल रहा है हवा में यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है घर पहुँचा देते हैं यहाँ भी नहीं है बेटे यहाँ भी नहीं है समोसा मिल रहा है यहाँ पे लौंडो तो आए सब में घूम ले हैं हम भाई यहाँ पर ना समोसा मिला है ना छोले लौंडे पीने आए हैं यहाँ पे गन्ने का जूस दस बार जूस भी हो गए हमको मिला नहीं है यहाँ पे ये भैया देख रहा है पीना ही पीना मिल ये पतले हो गए हैं ये भैया ही पतले हो गए हैं पसीना कितना आपको वजन हुआ 5 किलो जूस पी रहे हैं जी अंकल जी हमारा जूस बना रहे हैं अरे यहाँ पे हमारा जूस रेडी हो रहा अंकल जी यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या यहाँ भी कुछ नहीं है हाँ हाँ भोजन भोजन क्यों भाई खाने वाने को मिला क्या आप लोगों कुछ मिला है बाली बाल मिल रहा है बस तो ये यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है अनपढ़ा में अनपढ़ा ओ भाई भैया का देख रहे हो कितना बुरा हाल हो गया है आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे गाइस यहाँ जो मार्केट है यहाँ मार्केट में लेडीज ज्यादा है यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है थाना अनपड़ा यहाँ आप जूते वगैरह ले सकते हैं ये बढ़िया कम दामों में बढ़िया माल गलत चीजें मत बता कम दामों में अच्छे दाम है वो बढ़िया जूते हैं लेकिन गाइस यहाँ पर आपको मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ सब्जी लो ऊपर चलो ऊपर अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा भट्टी पे ऊपर जहाँ अपने बुन जाओगे वहाँ यहाँ सब कुछ मिल रहा है हरी सब्जी है सब है कपड़े हैं चावल है लेकिन आपको यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा ये बात मैं कह रहा हूँ यही जिंदगी है जहाँ से शुरू करा था वहीं से अंत करना अच्छा अच्छा जहाँ से खाने खाना है तो वहीं लौट के दोबारा जा रहे हैं ये देखो ये है उसमें क्या नाम है उसको कहते हैं काय की जाली है ये क्या है भैया जी क्या भैया जी क्या है ये जलेबी है ये जलेबी
भाई जलेबी देख रहे हैं आप? इतनी बड़ी जलेबी आज मैं अपनी पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में। Oh my God! पिया ने जलेबी बनाई है जी, जहाँ जहाँ देखेंगे आपको यही बड़ी बड़ी जलेबी दिखेगी। ये देखिए, ए आप पानी पूरी खाएंगे यहाँ पर गर्मी लग रही है आपको? कैसा लग रहा है आपको अनपढ़ा में आके? मई जून की गर्मी आया, मई जून की गर्मी। और खाने को मिला आपको कुछ? वो गन्ने का जूस कह रहे हैं, ठंड चल रही है यहाँ। हाँ उस तरह बरेली आए तब दिखा तो ठंड। क्या ठंड है बताओ तुम्हारे बुलबुले। पूरी मार्केट हम भाई साहब 5 किलोमीटर की घूम के आए हैं, लेकिन हमें खाने को सारा एक पूरी नहीं मिला है। जहाँ से गए तो वही लौट के जा रहे हैं, जहाँ से गए हैं वही वापस लौट के आ गए। समोसे की दुकान तक नहीं है यहाँ पे। समोसे दुकान मिली भैया आपको? हाँ मिली ना, वो मीठे समोसे दिख रहे हैं। मीठे समोसे इसकी बल्ब से आप देख रहे हैं भैया बता रहे हैं, बल्ब से समोसे गर्म हो रहे हैं। ये भैया है सिर्फ भोजनालय यहाँ पर, और ये लोग अंदर जा चुके हैं। दो भैया दो थाली लगा दो। अब भाई साहब हम लोगों ने थाली लगवा ली है, उसके बाद हम लोग बिरयानी खाएंगे। जो भैया जो है हमारी ये बिरयानी ये लौंडे को खाना खाने मिल रहा है, कितना खुश हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, खाना देख रहा हूँ, खाना देखने को मैं तड़प गया। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुख इतने ढूंढने के बाद, और ये हमारे कमरे के 10 बगल में बराबर में ही है, और हम यहाँ खाना खाने नहीं आए। हम 3 किलोमीटर दूर गए थे, वो भी खाना खाना मिला नहीं हमें, और दोबारा लौट के वहीं पे आ गए। तो आज हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। देखिए ये पहले ठंडा पानी पी रहे हैं, फिर गर्म चाय पियेंगे, और इन्हें ठंडी चाय पियेंगे ठंडा पानी पियेंगे। ये पीली वाली भी हो गई, काली वाली कौन? तो भाई ये हमारा रूम है, रूम में दिखाया था मैंने, रूम दिखा दे रहा हूँ अभी। ये हमारा रूम लिया हमने, ये ताना इसके रेट कितने हैं? काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मिला है हम लोगों को ये, बढ़िया रेट पे। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो भैया का होटल का नाम बता दूंगा, यहाँ पे रुक रुकने आप लोग। चलिए चलो चलते हैं चाय पीने, बहुत ज़्यादा रात हो गई था यार, कुछ दिख नहीं रहा रात में। जल्दी आओ, रात में कुछ दिख नहीं रहा इधर। चलो फिर यार, देखो कितना खुश हो रहा है इनने, क्या दिया इसके हाथ में। भैया ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, देखो बोला आधा सोने के बाद आया, चाय पीने के बाद सस्पेंस मिलेगा इसके बाद हमें। तो आज हम लोग यहाँ पे रुके हैं अमर बसेरा में, यहाँ पे होटल है बड़ा सा, इसके पास में ही है रिया होटल के पास। ये देखिए आप, जल्दी आ बेटा आशीष, तू दिख तो रहा है आशीष यार, कहा दिख रहा है, कहा दिख रहा है तू। तो आज यहाँ पे रात हो चुकी है, हम जाए चाय पीने के लिए भी। अरे तुम्हें दिखा, मैं ठेले दिखाऊंगा, पहला ठेला मैंने दिखा यहाँ पे अभी तक यार, ये पहला ठेला में चाइनीज ठेला दिखा पहला अभी तक यहाँ पे अनपरा में। पूछिए क्या लिखा हुआ है, UPRBUNL यहाँ पे लगा हुआ है मेला। तो भैया से पूछ लिया इन्हें, भैया ने अंदर लगा हुआ है मेला। तो भाई लोग यहाँ पे आ चुके हम लोग, ये बड़ी जगह मिली है घूमने के लिए यहाँ पे। ये सीन देखिए अपने बेसब कुमार जैसे लाइट लगी है, लाइटिंग बढ़िया हो चुकी है यहाँ पे। और ये हमारे तीनों भाई आगे भाग रहे हैं। गाइस कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? सुबह से यहाँ कोई जगह बढ़िया थी नहीं यहाँ पे सुबह से यार। गाइस कहाँ आ गए यार, ये जगह अपने बरेली वाली बेकरी वाली, ये बेकरी अभी ऐसा लग रहा है अपने, सिर्फ कैंट बेकरी नहीं, कैंट बेकरी हाँ फंस बेकरी वाली
ना फंसे उधर कैंट बेकरी जी, कैंट बेकरी वाली। हाँ हम कैंट बेकरी आ चुके हैं और ये बिशप कुमार की लाइटिंग लगी है। ये लौंडे यहाँ कह रहे हैं शादी में जाएंगे खाना खाने। वो वीडियो नहीं आए थे, बर्तन धुलवाए थे। हाँ एक वीडियो में बर्तन धुलवाए थे, इनसे झाड़ू पोछा सब कराया जाएगा, खाना खाने जाएंगे। राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये तो। अरे व्यापार मेला तो अपने बरेली में लगा था, वो ऐसा लगा वो यहाँ पे जे एम डी अनपरा। सबसे पहले यहाँ पे झूला आइए, इस पर झूला खाएंगे आशीष भाई दोनों लोग बच्चे वाले झूले पे। ओके भाई कुछ तो है यहाँ देखने लायक। लकड़ी पर नाम लिखवा यहाँ से, लकड़ी पर नाम लिखवा लो आशीष, लकड़ी पर नाम लिखवा लो यार। आप थोड़ा अब लग रहा लग रहा है अपने इंडिया में अब लग रहा इंडिया में हमने यार देखो बेटे हाँ जी यहाँ पे तो बिकता ही कपड़े। तुम्हारी दुकान किधर आशीष भाई? तो वहाँ दिखाओ, चलो अपनी दुकान पे दिखाओ। A few moments later पंडित जी माने पीत हुए भाई। देखो आप काफी पुराना मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, चार्ट पे भी है पार्क साइड पार्क जैसा बना हुआ है। ये नंदी महाराज से फोटो ले लो, ये नंदी महाराज बैठे हैं हमारे, ये जगह फोटो खिंचाने के लिए। तुम जा रहे थे बाबा जी के पास, उधर बाबा जी बैठे हैं, ये नंदी महाराज बैठे हैं। डालोगे ये बाकी ये वीडियो? हां वीडियो पड़ेगा नहीं भाई, नेम बताना मैं कब डाल लिया तो हम लोगों ने मेला देख लिया है, शॉपिंग भी कर ली, मैंने ग्लोबल लिया है, इस लौंडे ने गुड्डा लिया है अपने लिए, एक पेंसिल लिए और इन भैया ने बताने क्या क्या लिया है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ, खाना वाना खाएंगे और सुबह जाएंगे सबका पेस्ट्री देने के लिए। तो आज बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए यहाँ का सीन क्या है। भाई ड्राम जंगल में अभी आशीष होके आया है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, देख सकते हो कितना अंधेरा है। आशीष गया लेकिन अभी तो आया नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा। देखो निकल के आ गए देखो दाम नहीं आपने वो राज जो मूवी देखी है, जो राज मूवी हाँ जो राज टू मूवी बनी है वो यहाँ पे शूट हुई है। देखो पेड़ बोल वाले हैं ये। A few moments later भाई यहाँ शाम को खाना खाने के लिए हम लोग। सब्जी में क्या क्या है? सब्जी में क्या क्या है? सब्जी में क्या क्या है? सब्जी में दाल है, दो सब्जी मिलेगा, दाल है, चावल है, रोटी है। ठीक है चार, ठीक है चार कर देते हैं। भाई भाई देख सकते हो आप कितना पुराने टाइम में ऑर्डर बना हुआ है, ये देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे आके हम लोगों ने सीधे एक्सपीरियंस कर लिया, यहाँ पे आके अपनों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया, ये मैंने किया नहीं था तक। ये बहुत मन में थे हैं नॉन वेज भी वेज दोनों यहाँ पे यार। नहीं मैं ये कह रहा था ना यहाँ को होटल टाइप में देखोगे तो पुराने टाइप में यार। भाई मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ये थाली आई है हमारी 70 रुपये में, खाने जा रहा हूं मैं। दो तीन सब्जी ना, तीन सब्जी रोटी सलाद, खाओ पियो मौज करो। आप बताइए भैया आपको खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? एकदम मजा आ गया, जो भी आया अनपरा। हाँ वो एक बार भैया जी के मौर्य होटल में जरूर आए। हाँ ये भैया यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। अच्छा हाँ ये वाले भैया बैठते हैं।
हाँ ना, अरे नहीं ये वाले नहीं, वो वाले भैया। अरे बिल्कुल सेम जगह लग रही है आप लोगों की, बिल्कुल सेम। नहीं भैया आपका खाना जो था बहुत बढ़िया था भैया, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोयले से खाना बनता है भैया। आप देख मार्जे होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो गाइस अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है ये यहाँ पर, और अब हम चलते हैं अपने कृष्णा कॉटेज की तरफ। ये देखो भैया दिखा रहे हैं, इसमें अचानक आग लग गई तिल्ली माचे में, और सब तिल्ली इसकी जल गई भाई साहब। पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। पंडित जी एक मंत्र मार रहे, एक मंत्र। लौंडे से लोड वोट फोर हो गए, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, यहाँ पे अभी भीड़ लग चुकी है सेंटर पे। तो आज हम लोगों का फिजिकल हो चुका है यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं घर। और जो हमारे बाकी दोस्त है वो अभी इनका नहीं हुआ है, वो लोग अभी यहाँ पे ही हैं। आप देखते हैं कितना ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। A few moments later. भाई देखिए ये रास्ता है इंप्रोजेक्शन के लिए, और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं जो बारह भटका दे। और ये भैया ये जखन की रास्ता है, अब जैसे यहाँ पे सन्नाटा, अभी दिन के 12 बज रहे हैं, 12:01 बजने वाला है। और यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है रोड पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक आदमी दिखेगा रोड तक यार, हमारे ड्राइवर जखन पे। बड़ी जगह, ये जगह भी यूपी में ही है, बताओ ऐसी जगह भी इतनी पड़ी है यूपी में यार। तो आइए देखिए है पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर है यहाँ पे स्टेशन, इतना ऊपर चल के जाओ पहले। जी बात सही है, पहाड़ों पे स्टेशन है यहाँ पे यार, ये चल के जा रहा है इतना ऊपर है, चलने बहुत पैरों की बैंड बज गई यार, चल चलते 3 जगह में चल जाओ इतनी धूप में। अपनी तरफ ठंड पड़ रही है पहले की तरफ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है मई जून जुलाई वाली यार। यहाँ दुकानें देखी जी, देखो पहाड़ इधर, देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ है। तो आज हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, ट्रेन हमारी 1 घंटे लेट आई है। तो मुझे लगता है मतलब हमें पूरे 24 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में। आज हम 4:30 बैठे हैं, तो कल हम पहुँचेंगे 12:30 या 2 बजे तक पहुँचेंगे घर पर। देखिए पूरी ट्रेन की ट्रेन यहाँ पर खाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी।